इंदौर शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं देर रात खजराना थाना क्षेत्र में एक मेडिकल शॉप के दुकान के ताले तोड़कर चोर हजारों का माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। वहीं पूरी चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर खजराना पुलिस चोर की तलाश कर रही है। इंदौर के खजराना क्षेत्र के सबसे व्यस्तम क्षेत्र में देर रात चोरों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक मेडिकल को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। खजराना क्षेत्र की बरला ग्राम कॉलोनी में स्थित सेंट ताज मेडिकल स्टोर को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां पर पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर गले में रखे रुपए निकालते हुए साफ दिखाई दे रहा है। जहां पर दुकान संचालक रात को 11 बजे दुकान बंद कर अपने घर को चला गया था और दुकान में लगभग 22,000 रुपए नगद रखे हुए थे। जब फरियादी सुबह दुकान पर गया तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले और दुकान के गले में रखे हुए 22,000 रुपए भी नहीं थे। जिसके बाद फरियादी ने खजराना थाने जाकर घटना की रिपोर्ट लिखवाई। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी निकाले। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। बहरहाल चोरों ने मेडिकल के अलावा पास ही की किराना दुकान और चूड़ी की दुकानों को भी चोरों ने अपना निशाना बनाया है। क्या मामला था ये ताज मेडिकल पे जो चोरी हुई है? इसमें सीसीटीवी फुटेज अभी हम लोग चेक किए तो उसमें एक युवक है, दुबला पतला सा, और वो पूरा मुंह कवर करके और बालों को भी कवर करके उसने जो है चोरी की है मेडिकल शॉप के अंदर से। उसके आधार पर भी हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उसका चेहरा उसमें स्पष्ट दिख नहीं रहा है। हम आसपास के और भी सीसीटीवी फुटेज से और कुछ उसकी गतिविधि अगर सामने आती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर लगभग कितने की चोरी हुई थी? ये 18,000 रुपये करीब की बता रहे हैं, 18 से 20,000 रुपये गले में जो रखे हुए थे। और वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।